हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सुजीत वर्मा आप सभी के एक बार फिर से वेलकम करता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर। और ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया है, और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे हमें नील बोर के एटॉमिक मॉडल को समझने में बहुत आसानी होने वाली है, और इनफैक्ट एटम्स के बारे में समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो आज के टॉपिक का नाम आप जल्दी से देख लीजिए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैंने एक बार पहले भी आपके सामने एक या दो बार स्पेक्ट्रम का नाम लिया है, जबकि मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड के बारे में कि उसने बताया था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, जो एटम्स के स्पेक्ट्रा होते हैं, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो ड्रॉबैक कैसा था और क्या ड्रॉबैक था उसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे जो बता रहे हैं कंटेंट आपको आपको वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, उत्साह मिलता है, हम और ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे आपके लिए, और उसकी फ्लुएंसी भी हम बढ़ाएंगे, इसकी स्पीड हम बढ़ाएंगे बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो टॉपिक है हमारे पास, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर किसी वाइट लाइट, कभी वाइट लाइट जो नॉर्मल लाइट है, जो अलग अलग आपको पता है, अभी अभी ये पता चलने ही वाला है कि ये बनता है अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस के कॉम्बिनेशन से। अब मैंने ऐसा वर्ड बोल दिया, वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन के कॉम्बिनेशन से। उसको आप ऐसे समझिए कि जब वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराया गया, नॉर्मल वाइट लाइट को जब एक प्रिज्म के थ्रू पास कराया गया, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, मेरे पास तो देखिए रेड है, ब्लू है और ब्लैक है, तो मैं इन तीनों का लगभग यूज़ करूँगा और आपको कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा रेड कलर इस तरीके से यहाँ, और इसके बाद मैं कुछ लाइन्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 7। ये 7 मैंने लाइन्स इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि मैं बताना ये चाह रहा था कि जब वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराया जाता है, तो प्रिज्म से पास करने पर वो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, मतलब रेनबो जिसको आप बोलते हैं। और ये विबग्योर, आप नोटिस करें कि वॉलेट कलर का जो वेवलेंथ मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, 400 नैनोमीटर है, और रेड कलर का 750 नैनोमीटर है। तो ये जिसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, जिसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, मैक्सिमम है, इसमें डिफ्लेक्शन सबसे कम देखने को मिला है, डिफ्लेक्शन लिस्ट या लेस, और जिसका सबसे कम वेवलेंथ है उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। मतलब यह है कि जब वाइट लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया गया, प्रिज्म से पास कराया गया, तो वो 7 डिफरेंट रेडिएशंस वाले वेवलेंथ में ब्रेक डाउन हो गया, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो वाइट लाइट होता है वो एक कंपाइल किया हुआ है, कंपाइल किया हुआ आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो सातों रंग के मिलने से बना होता है। अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो आसमान में बारिश के बाद जो रेनबो दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, क्या होता है उसके अंदर। तो इसी को ये कलर बैंड की तरह नज़र आता है। कलर बैंड मतलब आप देख लें, एक आप इस तरीके से आप ये समझ लें कि एक ये एक हमारा कलर बैंड है जिसमें हमें कुछ कुछ दूरी पे अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे हैं, V, I, B, G, Y, O एंड R को मैं R से ही लिख देता हूँ, रेड से लिख देता हूँ। कुछ दूर तक ये रेड नज़र आ रहा है, रेड के बाद ये ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के बाद ये येलो, कुछ दूर तक ग्रीन, कुछ दूर तक ब्लू, कुछ दूर तक इंडिगो, एंड लास्ट में नज़र आ रहा है वॉलेट कलर का। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया गया, तो वहाँ से 7 डिफरेंट रेडिएशंस निकलते हुए दिखाई दिए। इन 7 डिफरेंट रेडिएशंस में स्प्लिट होने का जो प्रोसेस है, जो घटना हुई, इसको हम डिस्पर्सन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डिस्पर्सन। इट मीन्स, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन डिफरेंट रेडिएशंस हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब डिफरेंट रेडिएशन से कैसे पकड़ेंगे, उनका वेवलेंथ अलग अलग है ना, लेस से हाई तक है, इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं इसको हम, डिस्पर्सन। मतलब ये जो वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो गया, इस फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्सन। और ये जो कलर बैंड बना है, ये जो कलेक्शन है कलर बैंड का, इसे हम बुलाते हैं
स्पेक्ट्रम, या कई जगह पे इसे स्पेक्ट्रा भी लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि इसको हम क्या बुलाते हैं, स्पेक्ट्रम। आज एक बार देख लीजिए आप ठीक से इस टॉपिक को कि जब वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है। माइक को ठीक से लगाना पड़ेगा, कितना नहीं भाई। हाँ, वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया जाएगा तो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन होगा। आप देखिए छोटे छोटे डेफिनेशंस भी आपको मालूम होने चाहिए। मैंने बता दिया डिस्पर्सन क्या है और स्पेक्ट्रम क्या है। इस स्पेक्ट्रम में एक खास बात है, खास बात यह है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है ये? कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का मतलब आप समझिए, जैसे जैसे रेड से ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं तो कुछ दूरी पर क्या होगा कि रेड जो है वो ऑरेंज के साथ मर्ज हो जाएगा। ऑरेंज के साथ क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा, मतलब ब्लैंक कहीं भी जरा सा भी नहीं है। रेड खत्म होता 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 ऑरेंज शुरू हो गया उसी के अंदर, मतलब कुछ दूर तक आपको रिमिक्स कलर्स नजर आएंगे रेड और ऑरेंज के। अगर हो पाया तो मैं क्या करूंगा, जब जब मैं कोई टॉपिक बताऊंगा तो मैं उसके पिक्चर्स भी वीडियो में वहीं पर डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको देख लें, वहां पे आपको अच्छे समझ में। जैसे मैंने ये बताया तो अभी मैं साथ में एक पिक्चर भी डाल दूंगा, आप देख लोगे कि हाँ भाई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किसको कहा जाता है। इसके बाद के भी जो टॉपिक्स बताऊंगा उसके भी पिक्चर्स डाल दूंगा उसी स्टेटमेंट के बाद, ताकि आप अच्छे समझ लें कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। फिर कुछ दूर तक ऑरेंज बढ़ रहा और कुछ देर बाद ऑरेंज और येलो मिक्स होकर के जो कलर बनेगा वो कलर शुरू हुआ और वहां से ऑरेंज हटने लगा और धीरे धीरे येलो स्टार्ट हो गया। मतलब देर इज नो गैप, हर एक कलर एक दूसरे में यहां पे मर्ज हो गया है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बुलाते हैं। और इसी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा शो करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। ये लेटर एक्सपेरिमेंट से मालूम चला जो हम लोग अब देखने वाले हैं, और आप टॉपिक भी लिखा हुआ देख रहे होंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कौन सा टॉपिक है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। अब मैं चलता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि क्या देखा गया इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या, रियल में क्या हुआ। पहले तो आप कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा समझ गए, 7 डिफरेंट वेवलेंथ वाले रेडिएशंस में ब्रेक डाउन हो जाता है जब वो प्रिज्म से पास करता है। एंड इसके बाद अब हमें जानना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। एक्चुअली में जब कभी भी वाइट लाइट, पहले तो आप देखे थे अभी वाइट लाइट डायरेक्ट प्रिज्म से पास किया था, अब जब वाइट लाइट कभी भी किसी भी एटम और मॉलिक्यूल, या यूं समझिए किसी मैटर से अगर पास करेगा जिसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसके बाद अगर मैं इसे प्रिज्म से पास कराता हूं, तो फिर जो स्पेक्ट्रा बनता है उसे क्या बुलाया जाता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसका मतलब कुछ अलग है क्या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा? बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल अलग है। तो व्हाइट लाइट वहां पहले डायरेक्ट प्रिज्म से पास कर रहा था, यहां बीच में मैंने क्या रखा? एटम या मॉलिक्यूल, या मैंने कोई मैटर रखा जो किससे बना होता है? एटम या मॉलिक्यूल से। तो वहां पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनता है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, बस अब शुरू हो गई ये कहानी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और दूसरा टॉपिक है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, एक बार एब्जॉर्ब करने वाला है और एक बार रेडिएशंस बाहर निकलने वाले हैं। एक बार वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एक बार वो रेडिएशंस को अपने अंदर से एमिट करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा, और ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही कैसे हैं? डिसकंटिन्यूअस। कैसे हैं? डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये बिल्कुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की तरह नहीं है कि एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो गया, यहाँ कुछ आपको गैप्स नजर आने वाले हैं या कुछ अलग होने वाला। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी, इसको आप नोट कीजिए और बारी बारी से एक एक करके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा पे हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगले क्लास में इसका इतना ज़्यादा यूज़ होगा, कई सारे न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, है ना, कई सारे इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। कर लिया, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, और आप वीडियो को एकदम अच्छे से फटाफट देखें, समझते जाएं भाई, अपने कॉपी पे नोट करते जाएं। ठीक है, ये चैप्टर चल रहा है सेकंड हमारा, ओके। नाउ अब मैं पहले यहां डिस्कस करने वाला हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप ऐसे समझे, पहले तो मैं आपको ये कुछ यहां पॉइंट्स बता रहा हूं। जब भी किसी मैटर पर या तो लाइट इंसिडेंट किया जाए, देखिए एकदम पंचिंग पॉइंट्स बता रहा हूँ, लाइट इंसिडेंट किया जाए या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको एनर्जी दी जाए या फिर उसको हीट किया जाए, जब भी आप किसी मैटर को
एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का तरीका आपको मालूम है, लाइट का पैकेट मार सकते हो आप, या आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, या फिर आप उस मैटर को हीट करें। तो इससे क्या होता है, देखिएगा समझिएगा, इससे उस मैटर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हालांकि मैं बाद में डिटेल करूंगा, लेकिन वो मैटर जो होता है वो एक्साइटेड हो जाता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब मैं आपको बता ही देता हूँ बेकार वर्ड, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। और एक्साइटेड होने के कारण, कब ये एक्साइटेड होते हैं, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्साइटेड कब होते हैं, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो डिक्रीजेस, मतलब घट जाती है। बहुत पंचेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इस बात को एकदम दिमाग में रखिए। जब भी आप, मान लीजिए ऐसा सोचिए कि अगर आप कहीं पर बैठे हो, अगर मैं उस सब्सटेंस को, उस जगह को हीट कर दूंगा, तो वो एनर्जी आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा और आप फिर बेचैन हो जाओगे वहाँ से हटने के लिए, मतलब आप क्या हो जाओगे, अनस्टेबल हो जाओगे, आपकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। आप जहाँ बैठे हो आपकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, तब आप क्या चाहोगे कि वो जगह ठंडा हो जाए ताकि मैं आराम से बैठ पाऊँ। ठीक वैसे ही जब इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, मैटर की स्टेबिलिटी घट जाती है, उसके एटम्स मॉलिक्यूल की, या यूं कहो उसके इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी, या पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घट जाती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी आप किसी फॉर्म में सप्लाई कर सकते हो। तो वैसे केस में टू गेन स्टेबिलिटी, इसी से सारा काम निपटा दूंगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इट रिलीजेस एनर्जी, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है, अब वो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो ये आप देख लीजिए ध्यान से क्या क्या हो रहा है, जब किसी मैटर को लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या हीट के थ्रू, अब आप, मैंने लाइट की बात की तो आप समझ गए कि मैं EMR की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहा हूँ। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दीजिएगा तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। कैसे एक्साइटेड हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने क्या मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने क्या मतलब, लाइट क्या कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, सारे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसको एब्जॉर्ब करने के कारण डेफिनेटली वो किसी, देखिए अगर आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो वो तो विवग्योर से बना हुआ है, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा और उससे वो एक्साइटेड हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। एनर्जी बढ़ी, स्टेबिलिटी घटी, मतलब एक पॉइंट दिमाग में सेट कर लो भाई, एकदम सेट क्या कर लो कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, पूरी केमिस्ट्री में बार बार हर बार एक ही बात चलेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, एनर्जी कम रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। जो बच्चे ज़्यादा उछलते हैं वो कम पढ़ते हैं, उनकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे घट जाती है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी को वापस पाने के लिए वो क्या करेगा, अपने अंदर से उस जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी उसको रिलीज करना स्टार्ट करेगा। किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। एब्जॉर्ब भी किया था रेडिएशन, एमिट भी कर रहा है रेडिएशन, ठीक है। अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। तो अब आप देखो कि जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फॉर एन एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ, जैसे लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पर एक लाइट सोर्स का इंतज़ाम कर दिया, और ये लाइट जो है अब मेरे एक NaCl के सॉल्यूशन से पास कर रहा। मैं एक पार्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ, पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू NaCl के सॉल्यूशन से पास कर रहा है। इसके बाद इसके अंदर से जब लाइट निकला, तो ये लाइट जब इसके इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट, या तो गैसियस फॉर्म में होगा या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में हम देखेंगे कि अगर इस सॉल्यूशन से मेरा लाइट पास करेगा और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे अब मैं प्रिज्म लगाता हूँ और प्रिज्म से पास करेगा, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे स्पेक्ट्रा बनेगा ना, जैसे पिछली बार बना था। लेकिन पिछली बार के स्पेक्ट्रा और इस बार के स्पेक्ट्रा में एक डिफरेंस आने जा रहा है, और वो डिफरेंस ये है कि पिछले बार के स्पेक्ट्रा में हर जगह पर हर एक लाइन बहुत कंटिन्यूसली प्रेजेंट था, वहाँ पर कोई भी गैप नहीं था। मगर इस बार मैं आपको बता दूँ, मेरे पास तो वो कलर है नहीं यहाँ पे, क्योंकि उतनी, देखिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है नहीं हमारे पास, फिर भी करता रहूँगा। येल्लो कलर मैं यहाँ पर जस्ट मार्क कर रहा हूँ ब्लैक कलर का, क्योंकि विवग्योर में वी ऐसे लिख देता हूँ, विवग्योर। तो मान लीजिए सपोज कि यहाँ से यहाँ तक जो येल्लो कलर है,
तो NaCl का सॉल्यूशन से जब ये लाइट पास किया तो लाइट ने इसके मॉलिक्यूल्स को क्या दिया, एनर्जी दिया। जैसे आप देखो, लाइट ने इसके मैटर को या सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स को क्या दिया, एनर्जी दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट किया। इंसिडेंट करने के बाद जब वो प्रिज्म से पास करेगा तो वो विब्योर में से येलो कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, येलो कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, येलो कलर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने किया कि ये येलो कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब हर कोई अलग अलग तरह का कलर एब्जॉर्ब करता है। ये पहचान है सोडियम की कि अगर वाइट लाइट पड़ने के बाद सोडियम अगर वहाँ प्रेजेंट है और अगर सोडियम से वाइट लाइट पास कर रही है, इसका मतलब फिर सोडियम के एटम ने एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बोल सकता हूँ उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब आपके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में वो कलर वहाँ से गायब हो जाएगा और वहाँ ब्लैक लाइंस नज़र आएंगे। जैसे लेट अस सपोज कि अगर ये एरिया पूरा येलो होता, देखिए ये एरिया पूरा येलो होता जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, आप उसको जस्ट इमेजिन कि ये येलो है। अगर ये पूरा येलो होता तो इस पूरे येलो में से कुछ दूर के लिए ये ब्लैंक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्लैक लाइन नज़र आएगा। ये गायब हो गया यहाँ से, ये कलर वहाँ से कलर क्या हो गया, गायब हो गया। अब वो कलर गायब हो गया तो वहाँ पे ब्लैक लाइन नज़र आने लगा। कलर गायब नहीं हो गया, एक्चुअली में उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन को इस पर्टिकुलर, यहाँ पे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, सब हर एक जगह का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को सोडियम के एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में जब इस तरीके से किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए यहाँ एक हुआ, तीन चार पाँच लाइन्स ऐसे ऐसे हो सकते हैं कि अलग अलग जगह पर ब्लैक लाइन्स नजर आए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें से कुछ लाइन्स एब्जॉर्ब हो गए हैं, कुछ जगह पर ब्लैक लाइन्स नज़र आ रहे हैं। कहीं रेड में से कुछ एरिया काला हो गया है, ग्रीन में से कुछ एरिया काला हो गया है, वॉलेट में से कुछ एरिया ब्लैक हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन को सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो स्पेक्ट्रा बना इसी का नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। इसी का नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। क्या ये बात आपको क्लियर कर पा रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब बनता है? तो ये मैंने आपको बताया था ना कि जब लाइट इंसिडेंट करेगा तो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाएंगे। क्यों एक्साइटेड हो जाएंगे? क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एनर्जी मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब ये मॉलिक्यूल्स इसके क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। एक्साइटेड कहा जाता है कि वो एक्साइटेड हो गए, लेकिन वो हमेशा एक्साइटेड रहेंगे नहीं। अब वो क्या करेगा, वो अपने अंदर से इस एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो अगर उसने येलो कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया है, येलो कलर को एब्जॉर्ब किया है, तो वो वॉलेट कलर का रेडिएशन अपने अंदर से निकालेगा। मतलब ये बात क्लियर है कि जिस कलर का एब्जॉर्ब करता है उस कलर का बाहर नहीं निकलता, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ अभी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं कि ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये कलर बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, वो रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन निकलता हुआ नजर आएगा, इस तरीके से आपको पता चलेगा। खैर, अभी तो पहले मैं एब्जॉर्प्शन पे बात कर रहा हूँ कि जब लाइट इंसिडेंट कराया गया मैटर के ऊपर, उसके बाद उसको प्रिज्म से पास कराया गया, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में से कुछ कलर वहाँ से गायब हो गए या कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में वो लाइन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या बुलाते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद आप जैसे मैं अभी एक पिक्चर भी डाल दूंगा, आप अच्छे से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को भी समझ लें। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चले आगे। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बाद मैं बताना हूं आपको एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। एमिशन स्पेक्ट्रा, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो इस केस में यहाँ तक एक स्पेक्ट्रा बना और उस स्पेक्ट्रा का नाम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये अपना हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारा कब बनेगा, जब वो उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराया जाएगा या उसको एनर्जी दी जाएगी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनेगा। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ से आगे की बात करें, जब कोई एक्साइटेड स्टेट में है, जब उसको एनर्जी दी गई है, वो उसके मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हैं, तो क्या वो वैसा ही रहेगा, नहीं। फिर वो अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी घट गई है, स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करेगा। किस फॉर्म में रिलीज़ करेगा, रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज़ करेगा।
तब जो बनेगा उसको हम बोलेंगे, उसी को बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। उसे क्या बुलाएंगे हम? एमिशन स्पेक्ट्रा। अब आप समझिए अच्छे से इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू, साइंटिस्ट लोगों ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। एक हॉट डाइल्यूटेड गैस कैसे लिया? मैंने कहा आपको या तो गैसियस फॉर्म में या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में एक्सपेरिमेंट दिख रहे हैं हम लोग। मान लीजिए एक बल्ब बनाया गया अच्छा सा, और इस बल्ब में हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसी पे होता, तो इसी समझते हैं। हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया गया। अब ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इस बल्ब को दी गई, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। जैसा मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं एनर्जी लेकर, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। अब क्या हुआ, एब्जॉर्ब करने के बाद जब यहाँ से मॉलिक्यूल्स को अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, तो अब वो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करेंगे। तो जब वो रेडिएशंस को एमिट करेंगे अपने अंदर से, और अब अगर आप प्रिज्म यहाँ पे रखोगे, तो ये रेडिएशन जब प्रिज्म से होते हुए पास करेंगे, तो फिर से यहाँ एक स्पेक्ट्रा बना, और इस स्पेक्ट्रा में, मान लीजिए यहाँ मैं ज़्यादा कलर तो है नहीं, हालांकि मैं फ़ोटो डालूँगा आप देख लीजिएगा। ये मान लीजिए मैंने ब्लू कलर डाल दिए यहाँ पे, और कुछ एक मैंने रेड लाइंस भी बीच में डाल दिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझाता हूँ आपको। इसके अलावा हर जगह बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा, बिल्कुल डार्क। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है, तो सारा का सारा स्पॉट डार्क ब्लैक रहता है, डार्क ब्लैक रहता है, मतलब वहाँ कोई लाइंस नज़र ही नहीं आती है, और कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशंस निकल रहे हैं, और वही सिर्फ वही कलर हमें यहाँ अलग अलग लाइंस के फॉर्म में दिखाई देगा। मतलब पूरा डार्क ब्लैक है, इमेजिन कीजिए, पिक्चर भी डालूंगा देख लीजिएगा, पूरा डार्क ब्लैक है, और कहीं येलो कलर का एक पतला सा लाइन, ग्रीन कलर का एक पतली सी लाइन, ब्लू कलर की एक पतली सी लाइन, रेड कलर की एक पतली सी लाइन ऐसी दिखाई दे रही है, बाकी पूरा डार्क ब्लैक है, कंप्लीट डार्क ब्लैक। रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, इस तरीके से कुछ कुछ लाइंस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन के गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी उनकी एनर्जी बढ़ी एब्जॉर्ब करने के बाद। अब टू गेन स्टेबिलिटी उसने अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज करना स्टार्ट किया। तो जब वो रेडिएशंस को रिलीज करना स्टार्ट कर रहा है, तो इस केस में नया स्पेक्ट्रा बना, और ये स्पेक्ट्रा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बुलाते हैं, और साथ साथ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इसे हम फिंगरप्रिंट भी बुलाते हैं। जैसे हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, बिल्कुल मैच नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल हर एक एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट होता है। इनफैक्ट कौन सा एटम है ये पहचानने के लिए, कौन सा एलिमेंट का एटम है ये पहचानने के लिए, हम उसके एमिशन स्पेक्ट्रा को देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये सोडियम है, ये सीजियम है, रूबीडियम है, ये जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है। तो मतलब सबका एमिशन स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब हर एक में अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले लाइन्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी वगैरह इन टर्मिनोलॉजी से आप अच्छे तरीके से परिचित है, क्योंकि मैंने आपको पिछले 5 वीडियो लेक्चर्स में लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ बताया है, तो आई होप आपने देखा होगा, समझा होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको एक एक लाइन चीज़ बहुत बारीकी से बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसको स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो इसने अपने अंदर से रेडिएशन रिलीज किया। आगे जा करके और डिटेल में खुलेगा अगले क्लास में बोर एटॉमिक मॉडल में, लेकिन अभी जो बताना है उस पर आप ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन करने के बाद रिलीज़ करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से जब इसने रिलीज़ किया, तो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस बाहर निकले। आप देखिए, इट रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस बाहर निकले, और जो भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन बाहर निकले होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही कलर के लाइंस आपको यहाँ स्पेक्ट्रा में नजर आएगा, बाकी पूरा का पूरा डार्क ब्लैक होगा। इसके बाद मैं पिक्चर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे फिंगरप्रिंट क्यों कहा गया, क्योंकि ये सबका मैच नहीं करता, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब ऐसा है कि अगर एमिशन स्पेक्ट्रा आप देख रहे हो और आपको मालूम है भाई उसके एमिशन स्पेक्ट्रा में ये कलर की फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, या इतने फ्रीक्वेंसी वाले लाइन नज़र आएंगे, तो जब जब आपको कोई रेडिएशन मिलेगा, तो रेडिएशन की आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी, उसका वेव निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेव नंबर निकाल सकते हो। तो वेव नंबर निकाल के आप बता दोगे कि अच्छा ये तो मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि ये लगता है कि ये पर्टिकुलर रेडिएशन है, विजिबल रेज है। अगर कोई रेडिएशन आपको दिख रहा है, तो आप बता सकते हो कि ये यूवी रेज है, ये इंफ्रारेड है, तो आप वो जज कर सकते हो कि ये वही एलिमेंट है या कोई दूसरा एलिमेंट या कोई नया एलिमेंट अब दुनिया में आ गया है, क्योंकि इसका एमिशन स्पेक्ट्रा किसी से मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि हर एक आदमी का फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है,
तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है ना। तो आप इसको भी लिखिए, मैं पिक्चर इसका डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ कि मैंने कहा था अभी आपको मैं बताऊँगा अब रीज़न फॉर रैम्बो देखिए कैसे रैम्बो बनता है। वेरी सिंपल, बारिश की बूंदों ने, बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है और अचानक धूप आ गया, धूप खिल गई और हमें रेनबो दिखाई देने लगा आसमान में। तो जो बारिश की बूंदें हैं, ये बारिश की बूंदें सनलाइट से जब लाइट इसके ऊपर पड़ा तो सनलाइट में तो बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, इसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करने के बाद इस जो बारिश की बूंद है इसने क्या किया, ड्रॉपलेट इसने एब्जॉर्ब किया जो भी यहाँ से सनलाइट से एनर्जी आ रही थी। तो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर के, वो एक्साइटेड हो गए एनर्जी एब्जॉर्ब करके, स्टेबिलिटी घट गई। अब ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को बाहर निकालेगा और रेडिएशंस के चक्कर में इससे जो बाहर निकल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यहाँ से जो है ना सातों रंग जो है बाहर निकलेंगे और यहाँ क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा, है ना। तो ये और कोई नहीं, रेनबो में जितने कलर्स हैं आप सब जानते हैं, वेवग्योर को हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, सबका अपना अपना वेवलेंथ है। तो यही है रीज़न फॉर रेनबो कि क्यों रेनबो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्टेबलाइज होना चाहता है, एनर्जी कम करना चाहता है, एनर्जी कम करने के लिए उसने रेडिएशन निकाला और रेडिएशन से क्या बना, रेनबो बना, अलग अलग रेडिएशन से। तो आई होप कि आपको अब ये दोनों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए कि पता है हीलियम के एटम का जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा गया, ये बस एक लाइन है मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा रहेगा। और हीलियम का जब एमिशन स्पेक्ट्रा देखा गया, क्योंकि सबका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी होगा और एमिशन स्पेक्ट्रा भी होगा, जब वो जो लाइंस जो पर्टिकुलर कलर वो एब्जॉर्ब करेगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में गायब हो गया। मान लीजिए, लेट अस सपोज, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि सपोज सिर्फ दो ही कलर होते हैं अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में, ऐसे तो होते हैं सात, वो तो मैं पिक्चर डालूंगा आप देख लीजिएगा, रेड कलर एंड मेरे पास जो अवेलेबल है ब्लू कलर, ठीक। सपोज कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं, ऐसे देखिए मर्ज हो जाते हैं। अब इसमें से अगर मैं किसी दो जगह से, एक यहाँ पे और एक यहाँ से, मैं दो जगह से थोड़ा रेड कलर गायब कर देता हूँ और मैं थोड़ा ब्लू कलर गायब कर देता हूँ, ठीक। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन को हीलियम ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जब एमिशन स्पेक्ट्रा बना तो ये पूरा ही ब्लैक हो गया। और इस पूरे ब्लैक में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिखाई दिया वो मैं आपको बताता हूँ अभी तुरंत। इंटरेस्टिंग क्या नज़र आया, देखिएगा और सोचिएगा क्या आप खुद से सोच पा रहे हैं। जहाँ से ब्लू कलर गायब हुआ था ठीक वहीं पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा था, और जहाँ से रेड कलर गायब हुआ था ठीक वहाँ पर रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एग्जैक्टली जो लाइंस, जो कलर की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की गई थी उसी जगह पर वहाँ हमें फ्रीक्वेंसी दूसरी दिखाई दी। मतलब इसको उठा करके यहाँ रख, अब आप सोचेंगे सर रेड कलर का लाइन यहाँ पे आप दिखा रहे हो, आप कह रहे थे कलर एब्जॉर्ब कोई और करेगा, निकले या कोई और। मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसी जगह पर लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता देता हूँ कि रेड एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ क्या दिखाई देगा, हरे कलर तो है नहीं मेरे पास, लेकिन जहाँ से यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ ठीक वहीं पे लाइंस वहाँ दिखाई दे रहे थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, चले आगे हटा दे। ओके, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा, उसी के बारे में बात भी करने वाला हूँ, अभी थोड़े डिटेल्स आपको बता दूंगा अभी। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारी बातें हो गई कि कैसे कैसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा तो आप याद रख ही लें। मैं एक ऐसा सर्कल बना दे रहा हूँ वेवग्योर। अब बहुत लोग सोच रहे हैं सर आपने इंडिगो नहीं लिखा, तो इंडिगो को भी यहाँ से गायब करना है।
अगर येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉलेट कलर दिखाई देगा, वॉलेट एब्जॉर्ब हो रहा है येलो, इसलिए मैंने कहा था ना कि सोडियम जब येलो कलर एब्जॉर्ब करता है तो वो वॉलेट कलर के रेडिएशन को अपने अंदर से एमिट करता है टू गेट स्टेबिलिटी। पहले वो एक्साइट हुआ, एक्साइट हुआ तो उसकी एनर्जी घट गई, अब एनर्जी घट गई तो वापस चाहिए उसको एनर्जी, अब वापस एनर्जी चाहिए तो सॉरी वापस उसको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो उससे एक रेडिएशन निकला। किस कलर का रेडिएशन निकला? वॉलेट कलर का। रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन निकलेगा और ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लूइश कलर वहाँ से निकलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कुछ कलर्स हैं, हालांकि पूरा नहीं है लेकिन फिर भी आप कुछ हद तक तो अभी याद कर ही सकते हो, दिमाग में रख ही सकते हो। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा एमिट करेगा। अब ये बात आप यहाँ से समझ लें कि कैसे रदरफोर्ड की बात गलत हो गई। उसने कहा था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनता है, उसने क्या कहा था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनेगा, लेकिन यहाँ कहीं भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हमेशा एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा स्पेक्ट्रा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि दो टाइप का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। तो इन दोनों में से कोई भी कंटिन्यूअस तो नहीं है। इसका रदरफोर्ड ने जो लाइन कहा था कि एटम्स जो होते हैं, एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा शो करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। तो आप इसको नोट करें। और चलिए अब मैं छोटा सा एक टॉपिक बच रहा है उसको भी दिखा देता हूँ, जो कि हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा है। कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ पॉइंट्स अभी याद रख लें, अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से आपको एक बार बताऊँगा इसके बारे में। हो गया। क्या हुआ, किसके बारे में बात करना है? हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन का कौन सा स्पेक्ट्रा? एमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि हमें एमिशन स्पेक्ट्रा की स्टडी करनी होती है, इसी से पता चलता है कि एलिमेंट कौन सा है। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा बना और इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर के लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एमिशन स्पेक्ट्रा में कुछ पर्टिकुलर जगह पर लाइन्स नजर आएंगे, बाकी सारा कैसा होगा डार्क ब्लैक, बताया था ना आपको। तो आप समझिए कि बाकी जो मैंने छोड़ दिया वहाँ डार्क ब्लैक है। अगर हो सकेगा तो मैं इसका भी पिक्चर यहाँ पे डाल दूंगा। तो अब जो ये अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली ये कलर्स होंगे बाकियों के लिए, हम लोगों के लिए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं तो इन सब की कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ज़रूर है, इन सब का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ज़रूर है, और डेफिनेटली फिर इनका कोई ना कोई वेव नंबर भी है जो कि 1/λ मतलब 1/वेवलेंथ होता है, मैंने पढ़ाया आपको। तो इन रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर अलग अलग लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, बाल्मर। साइंटिस्ट कौन आए? बाल्मर। बाल्मर ने इन रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस की स्टडी करी और सिर्फ उनकी ही स्टडी करी। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जो विजिबल रेज के रेंज में आते हैं, विजिबल रेज मैंने विबग्योर के रेंज में, सिर्फ उन्हीं रेडिएशंस की स्टडी बाल्मर कर पाए, उन्हीं को वो देख पाए, उन्हीं के बारे में वो जान पाए कि हाँ भाई ये रेडिएशंस यहाँ पे निकल रहे हैं। अब उन रेडिएशंस का उन्होंने क्या निकाला? वेव नंबर। क्या निकाला? वेव नंबर। तो उन पर्टिकुलर रेडिएशंस को जिसको बाल्मर देख पाए वो विजिबल रेज की कैटेगरी वाले थे, और उन सभी रेडिएशंस का बाल्मर ने क्या निकाला? वेव नंबर निकाला। तो वेव नंबर जो कि हमारा होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या था कि उन्होंने जब ढेर सारे रेडिएशंस जो देखे उनका जो वेव नंबर निकाला, उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला बना दिया। क्या फार्मूला बना दिया देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई सारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं इस पे। 109677 पर सेंटीमीटर, मैं हाइड्रोजन को यहाँ लिख देता हूँ, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो फॉर्मूला क्या था अपना, 109677 पर सेंटीमीटर इंटू 1/2² - 1/n², जहाँ वो बोल रहे थे कि n की वैल्यू आपको मिनिमम 3 लेनी है और मैक्सिमम आप कुछ भी ले लो। अगले वीडियो लेक्चर में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, हालांकि मैं चाहता तो अभी बता देता, लेकिन अभी मैंने बोर फार्मूला पढ़ाया नहीं है, बोर एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं इस पर डिटेल नहीं कर रहा हूँ, करूँगा, पूरा डिटेल करूँगा इसका। लेकिन अभी आप कैसे याद रखो कि कुछ रेडिएशंस की स्टडी बाल्मर ने की और जिनकी स्टडी बाल्मर ने की उनके लिए एक फार्मूला बना दिया यहाँ पे। और इस फार्मूला के अंदर उन्होंने कहा कि आप n की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाओ, 2 से ज़्यादा रखना बस, 3, 4, 5, 6, 7, और इसको सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर हमेशा सेंटीमीटर इन्वर्स में आएगा और वो उन रेडिएशंस का वेव नंबर होगा जिनको मैंने देखा है, जिनको उन्होंने पाया यहाँ पे।
ऐसे ही तीन चार और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके अंदर अलग अलग रेडिएशंस की स्टडी की और सब ने एक एक फॉर्मूला उसके लिए बना दिया। क्या फॉर्मूला बनाया सब ने वो भी देखते हैं। और यहाँ आप जान गए कि बाल्मर ने जो रेडिएशंस देखे वो विजिबल रेज के अंदर आते हैं, तो बाल्मर का जो सीरीज़ है उसे उसके अंदर जो रेडिएशंस नज़र आए विजिबल रेज के अंदर आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और ये फॉर्मूला बाल्मर ने दिया, ये आपको याद रखना है, किसका? वेव नंबर का। चलिए इसको नोट कीजिए। अब मैं आपको बाकी चारों का भी लिख देता हूँ, याद करना बहुत ही आसान होगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे आसान होगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे बाल्मर ने काम किया ठीक वैसे ही अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, कुछ लोगों ने और स्टडी की। जैसे साइंटिस्ट का नाम लाइमन, मैं फिर से एक बार बाल्मर का नाम लिख रहा हूँ, लाइमन बाल्मर, पाश्चन, पाश्चन के बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद पीफंड, इन सब ने इस हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा की स्टडी की बारी बारी से, और कुछ रेडिएशंस की स्टडी इसने की कुछ उसने की, और सब ने अपना अपना फॉर्मूला बनाया। लाइमन का फॉर्मूला था न्यू बार का, जो कि 1/λ होता, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/1² माइनस 1/n². आप समझ गए होंगे कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी इसके लिए, 2, 3 एंड सो ऑन। बाल्मर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये 2 इसने लिखा है यहाँ पे बाल्मर के अंदर में, तो 109677 वही न्यू बार का फॉर्मूला, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/2² माइनस 1/n². पाश्चन ने जिन लाइन से स्टडी की जो यहाँ पे नज़र आ रहे थे उनको, उसका फॉर्मूला उन्होंने बनाया, तो क्या देखा, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/3² माइनस 1/n². आप समझ रहे होंगे पाश्चन ने n की वैल्यू कितनी बोली होगी, 3 से ज़्यादा, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ब्रैकेट ने क्या बताया, ब्रैकेट ने कहा कि 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/4² माइनस 1/n², n की वैल्यू कहाँ शुरू करनी है, 5, 6 से ऊपर। पी फंड का मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी फंड ने बताया, या फंड सीरीज 1/λ, मतलब इसको न्यू बार बोलते हैं, यही सब सारा का सारा वेव नंबर है अलग अलग रेडिएशंस का जिसकी स्टडी जिसने की, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/, यहाँ तक आप 4² तो यहाँ 5² 1/n², n की वैल्यू कहाँ शुरू होगी बताइए, सोचिए, 6 से, यस 6, 7 एंड सो ऑन। आप जब भी यहाँ कोई वैल्यू डालोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिजल्ट तो निकल के आएगा, और वो रिजल्ट उस पर्टिकुलर रेडिएशन के वेव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब n के जगह पे आप 5 डालो तो एक रिजल्ट, 6 डालो तो एक रिजल्ट, 7 डालो तो एक रिजल्ट आता रहेगा, और जितने भी रिजल्ट्स आते रहेंगे उन सारे वेव नंबर वाले रेडिएशंस को किसने देखा था, ब्रैकेट ने देखा था। इसके बारे में डिटेल में बात तभी हो पाएगी ना जब आपको मैं नील बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा, इसके बाद अब वही टॉपिक है हमारा, तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे समझिएगा, क्योंकि नील बोर ये सारा टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ठीक से समझ में आएगा। एटॉमिक मॉडल मैं सबको मर्ज कर दूंगा, वो स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक का जो भी आपको पढ़ाया पिछले कुछ दिनों में, वेव थ्योरी, पार्टिकल नेचर सब। तो अच्छा, हाँ, मैंने आपको ये बता दिया कि जो बाल्मर ने जिनकी स्टडी की उसे विजिबल रेज नज़र आए, और यहाँ जो लाइमन के अंदर में थे यूवी रेज, इन्हें जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी लाइमन ने की वो यूवी रेज की कैटेगरी में थे। पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड, इन तीनों ने जिन रेडिएशंस की स्टडी की वो इंफ्रारेड थे। किस कैटेगरी में आ रहे थे, इंफ्रारेड की कैटेगरी में आ रहे थे। इनके बारे में एक और बार बात होगी, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको जो बताना था, जो जरूरी था, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा में लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड ने अलग अलग रेडिएशंस का क्या निकाला, वेव नंबर निकाला। और जब उन्होंने वेव नंबर निकाला तो उन्होंने पाया कि मेरे इस फॉर्मूला से सभी का वेव नंबर आसानी से निकल जा रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ। तो सबने अलग अलग टाइप के रेडिएशंस की स्टडी की, मैंने आपको सारे टाइप के रेडिएशंस का नाम बताया, सबके लिए क्या फॉर्मूला है और कॉमन क्या है वो आपको बताया। और अब फाइनल टच पे हम लोग पहुंच गए हैं आज के वीडियो लेक्चर पर, कि अब हमें जानना एक छोटा सा नाम, रेडबर्ग्स एक्सप्रेशन। रेडबर्ग बहुत ही दिमाग वाला बंदा है, उसने सबको मिला करके अपना एक फॉर्मूला बना दिया है, चलिए उसको भी बता देता हूं आपको। रेडबर्ग गला सूख गया बिल्कुल, रेडबर्ग ने क्या किया है,
देखिए रेडबर्ग का स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है, आर वाई एच है या आर एच वाई, ऐसे कुछ होगा। रेडबर्ग्स एक्सप्रेशन क्या था वो आप देख लीजिएगा एक बार बुक में, स्टार मार्क लगा रहा हूँ, स्पेलिंग देख लीजिएगा। रेडबर्ग एक्सप्रेशन में उसने एक फाइनल फॉर्मूला बनाया न्यू बार का, जो कि 1/λ है, करते 1 0, यहाँ पे उसने क्या किया, आर एच लिख दिया, आर एच, और 1/(n1)²-1/(n2)² उसमें आर एच को नाम दिया कि आर एच जो है वो रेडबर्ग्स रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। रेडबर्ग्स क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू उसने बताई 1.09677 सेंटीमीटर इनवर्स। और उसने कहा कि यहाँ जो n1 है हमेशा n1 जो n2 से छोटा रहेगा, ऑलवेज। आप किसी भी रेडिएशन का वेव नंबर निकालना चाहो तो आप बना सकते हो, मतलब आप n1 की जगह 1 डालो तो भी आपको यहाँ मिनिमम यहाँ से 1 के बाद 2 डालना पड़ेगा, अगर आप 2 डाल रहे हो तो यहाँ 3 डालना पड़ेगा, यहाँ 3 डाल रहे हो तो यहाँ 4 डालना पड़ेगा, मतलब आपको हमेशा n1 जो वैल्यू n1 जो है n2 से छोटा डालना है। आपको हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा का कोई ना कोई रेडिएशन का वेव नंबर आपको मिलना ही मिलना है। तो कौन सा बहुत बड़ा दिमाग लगा दिया, यहाँ भी तो वही हो रहा है कि अगर यहाँ 2 है तो वहाँ 3 से शुरू होगा, 3 है तो 4 से शुरू होगा। इट मीन्स व्हाट, क्या है इसका मतलब, कि इन सबका आंसर देखने के बाद रेडबर्ग ने अपना एक्सप्रेशन बना डाला। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट भी लिख लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे बोर का एटॉमिक मॉडल इन सभी चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसे आप कंप्लीट कीजिए, अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे की बातें होंगी, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों, तब तक हमेशा की तरह इस बार कुछ अलग है, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।